नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। कर्नाटक में वोटिंग के बाद नतीजों का अब आना, 15 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। आपको मैं बता दूं, आज 13 तारीख यानी कि परसों, और फिर तय हो जाएगा कि कर्नाटक का शहंशाह कौन है। बीजेपी से कर्नाटक के शहंशाह होंगे या फिर येदुरप्पा या फिर सिद्धारमैया, क्योंकि येदुरप्पा ने कल वोटिंग के बाद कह दिया कि वो 17 ऐलान कर दिया कि 17 तारीख को वोट शपथ लेंगे और उनकी सरकार ही बनेगी। लेकिन इसको कहीं ना कहीं दिमाग खराब के मतलब दिमाग पागल हो गए हैं सिद्धारमैया ने करार दिया है कि येदुरप्पा का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन कर्नाटक में वोटिंग के बाद नतीजों के आने में अभी कुछ दिन की देरी, यानी कि एक दिन की ही देरी है, कल के बाद परसों। आप देखिए कि किस तरीके से जनता ने क्या फैसला किया है कर्नाटक की भविष्य का। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। राज्य की 122 सीटों पर, यानी 124 सीटें हैं, दो सीटों पर चुनाव नहीं लड़े गए हैं, कैंसिल हो गया है। आपको बता दूं कि एग्जिट पोल में कांग्रेस को 106 और 118 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे में बीजेपी को 69 से 52 सीट और जेडीएस को 22 से 30 सीट मिलती दिख रही हैं। अब सर्वे के मुताबिक राज्य में दलित वोट बीजेपी से छटकता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में अनुसूचित जाति एससी का 42% वोट कांग्रेस के हिस्से में गया है और वही अनुसूचित जनजाति एसटी का 48% वोट पाने में कांग्रेस सफल होती दिख रही है। इसके विपरीत बीजेपी को 33% एससी वोट और 26% एसटी वोट मिलने का अनुमान है। यानी कि दलितों का जो आक्रोश था वो बीजेपी पर ही फूटने वाला है। अब भले ही कांग्रेस पर एसटी एससी अगर विश्वास नहीं करती होगी, लेकिन जानबूझकर वो कांग्रेस को वोट देगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार से एक जो मुंह भंग हुआ है दलितों का, उस गुस्से को कहीं ना कहीं कर्नाटक में निकाला जा सकता है। आपको मैं बता दूं, अब सर्वे के मुताबिक राज्य में दलित वोट बीजेपी से छटकता नजर आ रहा है। कर्नाटक की तीसरी बड़ी पार्टी जेडीएस को 15% एससी वोट और 17% एसटी वोट मिलता दिख रहा है। वहीं अन्य के खाते में 9% एससी एसटी समुदाय का वोट जाने का अनुमान है। अगर यह सर्वे नतीजों के बाद सही पाया जाता है तो इस बात पर मोहर लग जाएगी कि देश भर में दलितों का जो गुस्सा है वह कर्नाटक के नतीजों को प्रभावित करने में सफल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव में गरमाया दलितों का मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान लगातार दलितों पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया और यही वजह है कि उनको इस चीज़ से बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। कांग्रेस ने ऊना कांड से लेकर एससी एसटी एक्ट को कमजोर करने का मुद्दा कर्नाटक में चुनाव में उठाया और साथ ही इसके जरिए केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी पर कहीं ना कहीं पूरा ठीकरा फोड़ा है। अब मोदी सरकार पर दलित विरोधी होने का भी आरोप लगाया था राहुल गांधी ने। इसका फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। इसके अलावा बीजेपी और आरएसएस नेताओं के आरक्षण विरोधी बयान भी कांग्रेस के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने लगातार दलितों के मुद्दों पर बैकफुट पर जाने से अपना बचाव किया और समाज के पिछड़े शोषित समुदाय के उत्थान के लिए किए गए कामों को खूब गिनाया। बावजूद इसके लगता है कि कांग्रेस इस समुदाय को रिझाने में सफल रही है। आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति का समुदाय कर्नाटक में सबसे बड़ा है और कुल आबादी का 17% हिस्सा इनके खाते में आता है। वही अनुसूचित जनजाति की आबादी भी करीब 7% है। ऐसे में इन दो समुदायों को कांग्रेस के साथ जाना पोल में इसके लिए फायदेमंद साबित होता दिख रहा है। वहीं बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में दलितों के मुद्दों से पार पाना बड़ी चुनौती साबित हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि कर्नाटक की सियासत का जो भाग्य है, यानी कि परसों 15 मई को तय हो जाएगा। इससे पहले कल वोटिंग के बाद तमाम टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल में बीजेपी का फायदा मिलता दिख रहा है। अब एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के फाइनल एग्जिट पोल में औसत में बीजेपी 110, कांग्रेस को 88 और जेडीएस को 24 और
अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है इसमें, और 224 में से 222 सीटों पर ही वोटिंग हुई, इसलिए बहुमत का आंकड़ा 112 सीटों पर सीटें हो जाता है। यानी कि सी वोटर की एग्जिट पोल में बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर बहुमत से दूर है। यानी कि सिद्धारमैया ने खारिज की एग्जिट पोल, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सभी एग्जिट पोल सिरे से खारिज कर दिया है। और सिद्धारमैया ने ट्वीट किया कि एग्जिट पोल अगले 2 दिन तक मनोरंजन का जरिया है, सभी पोल का औसत निकालना वैसे ही है जैसे एक आदमी नदी पार कर रहा है, और उसने सांख्यिकी के जानकार पर भरोसा कर लिया है कि जिसने औसत निकाल कर ये कहा कि नदी की गहराई 4 फीट है। कृपया औसत नोट कर लीजिए, 6+4+2=4, यानी कि 6 फीट पर आप डूब जाएंगे। इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों, एग्जिट पोल की चिंता न करें, आराम करें और वीकेंड का मजा लें, हम वापस आ रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से सिद्धारमैया को फिर से कॉन्फिडेंस है कि वो फिर से वापस सत्ता में आ रहे हैं। अब कर्नाटक में फिर से कांग्रेस और सिद्धारमैया, आपको बता दूं कि क्या सच में कांग्रेस आ रही है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने वोटिंग खत्म होने के बाद तमाम चैनलों का एग्जिट पोल के नतीजों पर बड़ा बयान दिया। सिद्धारमैया का दावा है कि कर्नाटक में फिर से कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है। और सिद्धारमैया ने कहा कि मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी का दावा 130 सीटें जीतने का। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो भी रुझान दिखाए जा रहे हैं इतना तो मानोगे कि बीजेपी के पास पिछली बार 40 सीटें थीं, बीजेपी की बढ़ और अंग कांग्रेस के पिछली विधानसभा से घटता दिखाई दे रहा है। अभी तक ट्रेड कर रहा है कि जनता ने निर्णायक जनादेश उसी के पक्ष में दिया है जिसके पक्ष में ट्रेड दिखाई दे रहा था। हम आश्वस्त हैं कि बीजेपी 130 सीटें जीतेगी। यानी क्या क्या कहते हैं अन्य चैनलों के एग्जिट पोल, मैं आपको बता दूं कि 7 चैनलों के एग्जिट पोल के औसत मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही है, लेकिन उसको बहुमत नहीं मिल रहा है। बीजेपी को 102, कांग्रेस को 85 और जेडीएस को 32 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अब चाणक्य जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक बीजेपी को 120 सीटों के साथ बहुमत मिलेगा, लेकिन 15 तारीख को पता चलेगा आखिर मसला क्या है। क्या सच में एग्जिट पोल जो है वो सही है, या फिर एग्जिट पोल सारे रखे रह जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि जो सर्वे में बीजेपी को 79, अगर आप किसी दूसरे सर्वे की बात करेंगे तो बीजेपी में 79-92 सीट और जेडीएस को 22 और 30 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो जाहिर से तौर पर ये देखा जा सकता है कि कर्नाटक का सियासी जो माहौल है वोटिंग का, वो कहीं ना कहीं टीवी चैनल्स और जो एग्जिट पोल के जो पोल्स बताते हैं उनको, उनके अंदर भी कन्फ्यूजन है। क्योंकि अगर 4 एग्जिट पोल ये बताते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी और 13 ये बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और वो अंतर सही करने के लिए कहीं ना कहीं अब 15 तारीख का दिन देखना पड़ेगा कि उस दिन कौन सी सरकार अपनी सरकार बनाती है। यानी कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान लगातार दलितों पर अत्याचार का जो मुद्दा था वो उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़ा है। दलितों का जो मुद्दा था वो क्या राहुल गांधी को फायदा पहुँचा सकता है, क्योंकि उसमें कर्नाटक के चुनाव में दलित कोई कम नहीं है। अगर कम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कर्नाटक के चुनाव में दलितों का जो मुद्दा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गरमाया हुआ था, और दलितों ने ताबड़तोड़ वोटिंग कांग्रेस को की होगी क्योंकि वो पहले से ही भरे बैठे हुए हैं, बीजेपी से रुष्ट बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी तौर पर देखने को ये मिल रहा है कि बीजेपी, अब क्या लगता है कि बीजेपी कर्नाटक में फिर से बोलबाला करेगी या फिर से कांग्रेस आ जाएगी, या बीजेपी की वाला की आती जाती चीज़ें देखी गई हैं कि किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस है, जो सत्ता कभी बीजेपी ने भी बनाई है कभी कांग्रेस ने भी बनाई है, लेकिन इस बार क्या फिर से रिपीट कांग्रेस होगी। हालांकि कवायदें बहुत चल रही हैं कि कांग्रेस हो सकता है सरकार बनाने में सफल हो जाए, तो क्या जाहिर सी बात है
कि अगर स्वीकार किया है, काम किया है, तो कांग्रेस फिर से आएगी। तो देखना होगा 15 तारीख को आखिर होता क्या है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।